नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कान्हा कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल कान्हा क्लासेज मालपुरा में। दोस्तों हम बात कर रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की, और लोक देवताओं में हमने सर्वप्रथम लिए थे राजस्थान के पांच पीर। पांच पीरों के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अगले जो पीर है हड़बूजी सांखला। हड़बूजी सांखला पांच पीर कौन कौन से है? पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा, यानी पाबूजी हड़बूजी रामदेव जी मेहाजी मांगलिया और गोगा जी। तो हड़बूजी सांखला जो थे ये सांखला राजपूत थे, हड़बूजी सांखला, और ये मारवाड़ में, मारवाड़ यानी जोधपुर वाला क्षेत्र है उसमें राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन, राव जोधा के समकालीन थे हड़बूजी सांखला। इनका जन्म हुआ बुंदेल गांव नागौर में। बुंदेल गांव जो वर्तमान में कहां पर है? नागौर जिले में। और इनका मंदिर है बेंगटी गांव, मंदिर बना हुआ है बेंगटी, बेंगटी है वर्तमान फलोदी जोधपुर में। और इन्होंने क्या किया, देखो जितने भी लोक देवता हैं वो सब कहीं ना कहीं गायों से जरूर जुड़े हैं, गो सेवा से जरूर जुड़े हैं। तो इनका देखे तो इन्होंने किया, अपनी बैलगाड़ी से जो विकलांग गायें होती थी, जो चलने फिरने में असमर्थ होती थी, उनके लिए चारा लाके ये उनकी सेवा किया करते थे। तो वर्तमान जो इनका मंदिर है बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में, इनको मारवाड़ क्षेत्र में पूजा जाता है, वहां पर इनकी इनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, पूजा होती है इनकी बैलगाड़ी की। यानी इस मंदिर में किसकी पूजा होती है? बैलगाड़ी की पूजा, बैलगाड़ी की पूजा। और यहां पर जो मंदिर निर्माण करवाया वो करवाया अजीत सिंह राठौड़ ने, अजीत सिंह राठौड़ ने मंदिर का निर्माण अजीत सिंह राठौड़ ने करवाया। जो हड़बूजी का वाहन है वो होता है सियार, जैसे तेजा जी का वाहन घोड़ी है, रामदेव जी का वाहन घोड़ा है, वैसे ही हड़बू जी का वाहन क्या है? सियार। इसके अलावा हड़बू जी को सपुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहते हैं, सपुन शास्त्र के ज्ञाता थे। क्या थे? सपुन शास्त्र के ज्ञाता, जिसे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। वैसे सपुन शास्त्र के ज्ञाता थे कौन? हड़बूजी सांखला। तो इसी कड़ी में पंच पीरों में अंतिम पंच पीर आते हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया इनके गोत्र को लेकर कहते हैं कि ये मूल रूप से सांखला राजपूत थे। क्या थे? सांखला राजपूत, क्योंकि इनके पिता का नाम था गोपाल राज सांखला। क्या नाम था? गोपाल राज सांखला। लेकिन इनका जो लालन पालन हुआ, लालन पालन वो हुआ ननिहाल में, और जो ननिहाल पक्ष के लोग थे वो थे मांगलिया गोत्र के। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ननिहाल पक्ष के जो लोग थे वो मांगलिया गोत्र के थे। तो इन्होंने इनका लालन पालन बचपन से ये मांगलिया गोत्र में ही पले बढ़े, तो इन्होंने अपने गोत्र क्या लगाया? मांगलिया। इनका मंदिर है बापड़ी गांव जोधपुर, मंदिर है बापड़ी गांव, बापड़ी गांव जोधपुर। और बापड़ी गांव जोधपुर में इनका मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को। कब आती है कृष्ण जन्माष्टमी? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, यह है जन्म अष्टमी, और इस दिन लगता है इनका मेला। ये मेवाड़ में राव चूड़ा के समकालीन थे, राव चूड़ा के समकालीन। और इनका घोड़ा है किरण कावरा, घोड़ा था किरण कावरा।
ये है मेहा जी मंदिर। इसी कड़ी में हम एक और लोक देवता की बात कर लेते हैं, ये भी मारवाड़ के ही हैं, इलो जी। इनको मारवाड़ क्षेत्र में पूजा जाता है और इनको कहा जाता है छेड़छाड़ के देवता, छेड़छाड़ के देवता। और इनकी जो पूजा होती है मुख्य रूप से वैवाहिक सुख के लिए की जाती है। इनके पीछे की कहानी यह है कि इलो जी होलिका के मंगेतर थे। किसके? होलिका। होलिका आप सभी जानते हो, हिरण्यकश्यप की बहन, हिरण्यकश्यप की बहन। होलिका से इनकी शादी तय हुई थी, लेकिन होलिका का तो प्रहलाद के समय, प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल गई। तब ऐसा कहते हैं कि अगले दिन इलो जी यहां पर आए जहां होलिका जली थी और होलिका की राख को अपने शरीर पर लगा लिया, यानी सारे कपड़े उतार के होलिका की राख को अपने शरीर पर लगा दिया। और इसी कारण हम दुलंडी खेलते हैं। हालांकि दुलंडी के अलग अलग कहानियां प्रचलित है, लेकिन इलो जी से संबंधित एक कहानी ये भी है। तो इलो जी कहाँ के देवता है? मूलतः मारवाड़ में ही पूज जाते हैं, अपने इधर कोई पूजता है नहीं, हुए छेड़छाड़ के देवता कहते हैं, होलिका के मंगेतर थे, यानी होलिका से इनकी शादी तय हुई थी। तो ये हो गया आज का टॉपिक लोक देवता। अब बात करते हैं अगले वीडियो में और भी कई लोक देवता होंगे।